अगर आप लोग को ये लगता है कि कोक पीना अनहेल्दी है और इसे कभी कभी पीना ही ठीक है तो यर इज अ शॉक फॉर यू। दिस इज चिपाज इन साउथ मेक्सिको। यहाँ लोग पानी की जगह कोक पीते। सुबह नाश्ते के साथ कोक, लंच में कोक, डिनर में कोक और ऐसे बैठे बैठे भी कोक। उना कोका कोला। और तो और जैसे हमारे यहाँ मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं, वैसे यहाँ के चर्चेस में कोक चढ़ाते हैं। आई एम सीरियस। इनको ये लगता है कि कोक बीमार आदमी को भी ठीक कर सकता है, इसीलिए प्रसाद में भी मिलता है कोक। रीजन वाइज अगर कोको कोला के मैक्सिमम कंजम्पशन की बात करें तो चिपाज वर्ल्ड चैंपियन है। यहाँ पर पर्सन रोज 2.25 लीटर कोक पी जाता है। माइंड इट, हर रोज। अगर ये सुनने के बाद आप लोग को ये लग रहा है कि यहाँ तो रोज पार्टी हो रही है तो सुनो, ये उनका शौक नहीं मजबूरी है। चिपा मेक्सिको का वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन है। यहाँ पीने का पानी 2 दिन में एक बार आता है, वो भी गंदा। यहाँ साफ पानी के टैंकर्स मिलने में बहुत मुश्किल होती है और प्राइजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इतना ज्यादा कि कोक पानी से सस्ता पड़ता है। कोका कोला यहाँ के लोकल प्लांट से आता है और उसकी सप्लाई भी कमाल है। यहाँ हर शॉप पर कोका कोला अवेलेबल है भरपूर। रोज ऑफ वाटर 4, 5, 6, 7, 8 रोज ऑफ कोक। इन सब से यहाँ क्या इफेक्ट हुआ? चिपाज में ऑलमोस्ट हर एक को डायबिटीज है एंड इट इज क्लेमिंग द लाइफ ऑफ 3,000 people a year. The effect on public health has been devastating. Protests चल रहे हैं, awareness campaigns चल रहे हैं, doctors मना कर रहे हैं, पर फिर भी हर खाने के टेबल पर पानी की जगह है कोक। In this country with the most loving people, astonishing music and a rich culture, the only thing wrong here is this bottle of coke. See you in the next video.